राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों का राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल और आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं एक टमाटर की बेस्ट वैरायटी बताने जा रहा हूं। परंतु टमाटर की जो बेस्ट वैरायटी, उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि बहुत से किसान मित्रों का कमेंट आया था मेरे पास कि गुरु जी आप सीड्स को प्रमोट करते हो, प्रमोशन करते हो सीड्स का। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि मेरा उद्देश्य यह है कि किसान आगे बढ़े। मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूं, मैं आप लोगों को ब्रांडेड सीड्सों की जानकारी देता हूं ताकि आप धोखे के अंदर लोकल सीड्स ना खरीदें। मेरे किसान भाइयों, ये इंडिया है और इस इंडिया के अंदर डुप्लीकेट काम इतना होता है कि आपको मैं बता नहीं सकता। मेरे किसान भाइयों, आप डुप्लीकेट सीड्स से बचें और अगर सही सीड्स की आपके पास जानकारी होगी तो हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को, उस सीड्स को आप लगाओगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसी तौर पे सिजेंटा कंपनी का ये सीड है, इस तरह का ये बॉक्स है और ये इस एक बॉक्स के अंदर 10 पैकेट आते हैं इस तरह के, ये देख लीजिए, और ये सिजेंटा कंपनी का है। परंतु मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, ये सिजेंटा कंपनी का है टमाटर है, ये टमाटर आता है साहू के नाम से टमाटर आता है। पूरा नाम इसका है साहू 2-3251 नंबर का ये टमाटर है और इसके अंदर जो वेट की बात करते हैं तो 7.7 ग्राम इसका वेट आता है और सीड्स की बात करें तो इसके अंदर आता है 3500 सीड्स, 3500 नग आते हैं सीड्स के और वेट मैंने बता दिया आपको 7.7 ग्राम है। और इसकी MRP की बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग रेटें हैं और MRP भी ऊंची नीची होती रहती है, परंतु कई दुकानदार इसको ब्लैक से भी बेचते हैं सीड को, क्योंकि ये क्या हर जगह ये जो साउ टमाटर है ये जो हर इसका सीड हर जगह नहीं मिल पाता है तो दुकानदार उसी का फायदा उठा के और मन मर्जी से दाम वसूलते हैं। परंतु आपको 2-4-5-10 दुकान पर ट्राई करना है, जहाँ पे सस्ता मिले सीड्स वहाँ से लेना है और अलग अलग राज्यों की अलग अलग रेटें हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं रेट भी दे दूंगा इसकी, आप वहाँ से देख लेना आप, और अगर आप मंगाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी है, मेरे से मंगा सकते हो। परंतु मेरे से मंगाओगे तो आपका कोरियर का खर्चा, पता नहीं क्या क्या खर्चा लगेगा फालतू का, न वो आपका बचेगा पैसा न मेरा बचेगा। तो आप इसको क्या है कि अपने नज़दीक से खरीदोगे उतना सही रहेगा आपके। मेरे किसान भाई, एक एक पैसा आपको लोगों को बचाना है। लोकल दुकानदार, आप दुकानदार के पास आप जाओगे तो दुकानदार सबसे पहले आपको लोकल सीड्स बताएगा, ओरिजिनल सीड की राय नहीं देगा वो, नहीं आप ये ले जाओ वो ले जाओ ये ले जाओ वो ले जाओ, तो आपको सीड्स की जानकारी रहेगी तो आप वही सीड्स खरीदोगे अच्छे सीड्स। तो ये ब्रांडेड सीड्स के अंदर है सिजेंटा कंपनी का साउ टमाटर, बहुत ही बेस्ट टमाटर है। बात करते हैं इसके लगाने का टाइम, तो इसको आराम से नर्सरी कर सकते हो, इसकी मतलब नवंबर और दिसंबर के अंदर इसकी नर्सरी कर सकते हो आप आराम से। ये गर्मियों में चलने वाला टमाटर की वैरायटी है, बहुत ही ज़बरदस्त टमाटर लगेगा इसके अंदर गर्मियों के सीजन के अंदर, देसी टमाटर लगेगा इसका और रिकॉर्ड तोड़ इसका मतलब प्रोडक्शन निकलेगा टमाटर का। मेरे किसान भाइयों, एक बार इसको लगा के देखना साउ टमाटर को, बहुत गजब का रिकॉर्ड तोड़ आपको पैदावार देगा साउ टमाटर। परंतु ध्यान रखें कि जितना ऑर्गेनिक तरीके से आप इसको करोगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन देगा आप लोगों को। तो ये साउ टमाटर की मैंने जानकारी आप लोगों को दे दी है, परंतु आज भी मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों कि दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, आप भी बदलो, ऑर्गेनिक पे चलो। हकीकत बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक ऐसा एक विशाल समुद्र है जिसके अंदर आपको आराम से तैरने के लिए खुली जगह मिलेगी। जितना पैसा कमाना चाहते हो उतना पैसा मिलेगा आप लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ही मिलेगा, रासायनिक फार्मिंग में नहीं मिलेगा। और मैं किसान हित के ही वीडियो बनाता हूँ मेरे किसान भाइयों, मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं ओरिजिनल जो सीड होती है उसकी जानकारी देता हूँ ताकि आप ओरिजिनल सीड खरीदे, अच्छा सीड्स खरीदे और अपने खेतों में लगाए और आपको अच्छा मुनाफा हो। तो इसी तौर पे मैंने जो टमाटर था साउ टमाटर उसकी मैंने जानकारी दी है, बहुत ही शानदार टमाटर है, देसी वैरायटी है इसकी और इसका पौधा भी लंबा थोड़ा फैलता है आराम से, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा मेरे किसान भाइयों। तो धन्यवाद, आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।